मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर रहेंगे। दो दिवसीय वाराणसी दौरे में G20 की बैठक की तैयारियों और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक करने के साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री टेंट सिटी भी जा सकते हैं। सीएम योगी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। कल सीएम योगी रविदास मंदिर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है और दो दिवसीय दौरे में क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। सीएम योगी का काशी प्लान क्या है? आज से दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। G20 को लेकर बैठक करेंगे और G20 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। काशी में चल रहे प्रोजेक्ट्स का अपडेट लेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और सीएम योगी टेंट सिटी भी जा सकते हैं। 5 फरवरी को रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे और प्रसाद लंगर में भी शामिल हो सकते हैं। तो दो दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और G20 की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा होगी। टेंट सिटी भी जा सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, लेकिन प्रमुख जो मिशन है वो है G20 की बैठक, जिसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उसी G20 की बैठक जो होनी है उसको लेकर ये मीटिंग होनी है। विकास कार्यों पर भी अधिकारियों के साथ बैठक होनी है क्योंकि तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वाराणसी में चल रहे हैं, वाराणसी के आसपास चल रहे हैं। सीएम योगी टेंट सिटी भी जा सकते हैं जिसका शुभारंभ किया गया था। और अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। मौर्य के सपोर्ट में सपा ने पोस्टर वार छेड़ दिया है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जिन पंक्तियों को लेकर बयान दिया था उसमें शूद्र और नारी दोनों शामिल हैं। सपा कार्यालय के पास इलाका इन्हीं से जुड़े तमाम होर्डिंग से पटा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले इस मामले पर चुप्पी साधे हों लेकिन उनके रुख का अंदाजा लगने के बाद अब पार्टी के पिछड़े नेताओं के साथ ही महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की तमाम महिला नेता और पूर्व पदाधिकारी भी इस मुद्दे को लेकर होर्डिंग बनवा रहे हैं, यानी कि पिछड़ों के साथ महिलाएं भी इस युद्ध में उतर गई हैं। भाजपा को चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रोज ट्वीट या बयान देकर मुद्दे को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। तो चलिए अब सपा का पोस्टर वार जो लगातार चल रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में महिला नेताओं ने पोस्टर लगा दिए हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय के पास कई पोस्टर लगे हैं। रामचरितमानस की पंक्तियों पर पोस्टर में विरोध जताया गया है और पोस्टर में लिखा, वर्ण व्यवस्था में मुझे ठहराया अछूत। कोई पोस्टर में जाति जनगणना की मांग कर रहा है। बड़ी संख्या में महिला नेता भी पोस्टर बनवा रही हैं। तो ये भी होड़ मची हुई है कि अपने अध्यक्ष की नजरों में कौन कितना अच्छा इन पोस्टर के जरिए बन सकता है। तो देखिए, अलग अलग पोस्टर हैं जिसमें कोई जाति जनगणना की मांग कर रहा है, कोई वर्ण व्यवस्था में क्यों ठहरा है मुझे अछूत ये सवाल पूछ रहा है और कोई रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर नोएडा से है। 20वीं मंजिल से कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। सेक्टर 168 स्थित गोल्डन पाम सोसाइटी की घटना है। अपनी महिला मित्र के साथ मदन नाम का युवक रह रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के महिला मित्र से पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, यही वो सोसाइटी है जहां पर यह घटना हुई है और नोएडा के सेक्टर 168 का ये पूरा मामला है। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? जी देखिए, आपको बता दूं कि यह मामला देर रात का है। देर रात नोएडा सेक्टर 168 स्थित जो गोल्डन पाम सोसाइटी है वहां की करीब 20वीं मंजिल से जो मदन नाम का युवक है उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो युवक था वह कुछ समय पहले ही जो कि उस सोसाइटी में उनकी महिला मित्र है उनके पास आया था और आशंका यह भी जताई जा रही है किसी बात को लेकर खास सुनी हुई है और उसके बाद यह हादसा हुआ। तो इन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस द्वारा फिलहाल जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है पूरे मामले को जल्द ही साफ कर दिया जाएगा। वही दूसरा आपको बता दें कि नोएडा में जिस तरीके से लगातार हाई साइज सोसाइटियां हैं वहां पर लगातार जो है सुसाइड के मामले सामने आने पर है। ये पहला मामला नहीं है, बिल्कुल तमाम मामलों का सिलसिला है ऐसी आत्महत्याओं का। ऐसे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया अंकित आपका जानकारी के लिए। वही मुजफ्फरनगर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक लाठी डंडों से पीटते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाइक हादसे के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और इसके बाद बाइक सवार युवक की अन्य युवकों ने पिटाई कर दी।
मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद चार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए सीसीटीवी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, बाइक की टक्कर के बाद विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई। पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वांछित अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए निरंतर धमकी दी जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं गोरखपुर में पुलिस की मौजूदगी में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीज से मिलने आए दिव्यांग तीमारदार को जूनियर डॉक्टर से पीट दिया। वीडियो वायरल होने के बाद दो जूनियर डॉक्टर को निलंबित किया गया है और कॉलेज प्रशासन ने जांच बैठा दी है। इस मामले में परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने घायल का चिकित्सकीय परीक्षण करा लिया है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि एक तो तीमारदार पहले से परेशान होता है, ऊपर से वो दिव्यांग हो, और इतनी संवेदनशीलता अगर इन लोगों में नहीं है तो क्या ये डॉक्टर बनने लायक हैं? और सवाल ये भी उठता है कि देश भर के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की जो दादागिरी है वो सामने आती है। ये अलग बात है कि कई बार तीमारदारों की तरफ से गलत तरीके के दवा बनाए जाते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मारपीट करेंगे? सीएम योगी के निर्देश पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और शिक्षाविद आज भी विश्वविद्यालय और मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री के सलाहकार रिटायर्ड आईएएस अवनीश अवस्थी केजीएमयू और हिंद मेडिकल कॉलेज जाएंगे और सरकार की योजनाएं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के फायदे गिनाएंगे। तो विश्वविद्यालयों तक ये बताने और समझाने की कोशिश होगी कि सरकार क्या कर रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितना अच्छा है प्रदेश के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।